जमुई में स्वागत है आपका। जमुई में कि जाजा में? जाजा जमुई एक ही। जमुई जिला में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज बर्थडे में आए तो क्या कुछ कहिएगा रुपेश जी के? फील हो रहा है, बहुत आगे बढ़े, भगवान करे हजार साल जिए, ऐसा ऐसा बर्थडे हर साल मनाए और उपहार से मनाए एकदम, और क्या, आगे बढ़े, शादी ब्याह करे और क्या। अच्छा अमित भैया, अभी देखा जाए तो मघी के गाना भी लगातार पूरा अगर देश में तहलका मचाए हुए हैं, तो क्या उन मघी समाज को बोलिएगा? अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा और क्या। भैया दो लाइन अपना गाना गुनगुना दीजिएगा, आपका गाना काफ़ी। अभी माहौल उस टाइप का नहीं है, छोड़िए, होगा बाद में। अच्छा चलिए, यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो हमारे। आपको भी धन्यवाद। चलिए अमित आसिक भैया से क्या कुछ बधाई दीजिएगा भैया, आज क्या कुछ बोलिएगा? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और क्या बोलेंगे भाई, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि बर्थडे हो रहा है, एंजॉय करने के लिए आए हम लोग, एंजॉय करेंगे बर्थडे का आज का। मुस्कान जी को लेके ना आए साथ रहते हैं। मुस्कान जी अभी शूटिंग में व्यस्त है, जिसके वजह से मुस्कान जी को नहीं ले क्या पाए और क्या। ठीक है, सुपरस्टार आशीष यादव भाई का जन्मदिन थे जो कि रुपेश यादव, और रुपेश यादव के जन्मदिन पर तमाम हमारे साथ जो देख रहे हैं मघी के अलग अलग चैनलें वाले भाई भैया जी हमारे हैं, और सारे से जानकारी लेंगे कि क्या मघी में अगर देखा जाए तो भाई ट्रेंडिंग तक गाना चले जाते हैं, और भोजपुरी अगर बात करें तो अभी छोड़ दिए हैं सुनने के लिए, सबको मघी में बदल दिए हैं, मघी का अगर दर्शक करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो सारा चीज़ हम भैया जी से अब हम जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले स्वागत है भैया आपका इंडियन मिक्स के सभी दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार। क्या और सब कुछ कहिएगा भैया मघी में, अभी लगातार गाना ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, आगे ऐसी आते रहे, बहुत बढ़िया अभी चल रहा है, हम लोग का बहुत बढ़िया समय चल रहा है, आशीष जी का बहुत बढ़िया, इसी चलता रहे और एक से एक गाना आता रहे और ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग आता रहे, ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग आता रहा। हाँ। तो भैया कहे जम्मू जिला से कहीं ना कहीं कैसे शख्स हैं जो कि आशीष यादव जी हैं, जो कि गरीबों को भी देखने का कोशिश करते हैं, और तो क्या लगता है कि हमारे हम भी साथ में गए थे, दो तीन जगह गए साथ में, मदद किए, हम भी साथ में गए थे उनके साथ, बोले भैया जाना यहाँ, ऐसे ऐसे हुआ है, कहीं सांप काटा था यहाँ, बिल्कुल नुम्मर में। हाँ, तो वहाँ हम साथ में गए थे, हम वहाँ मदद किए, वो अपना हाथ से मदद की, हम मेरे सामने किए थे, और क्या बोले, बहुत महान आदमी है, उसमें कोई अथि नहीं है। देखिए हमारे साथ विकेश भैया जी हैं और जानकारी लेते हैं भैया, आपका स्वागत इंडियन एक्स में। इंडियन निक्स को जो भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है, और आगे भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, इस चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। यादव फिल्म स्टूडियो का ओनर से हमारे साथ भाई साहब, और काफ़ी अच्छा भैया अभी फोर व्हीलर लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का प्यार है। दर्शक को क्या कहिएगा, मघी समाज देखने वाले दर्शक कहीं ना कहीं इतना दूर पहुंचा दिए, और क्या कुछ बोलिएगा? बोले जितना बोलेंगे सारे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी हैं उन्हीं लोगों के दम पे हैं, जो भी जो देखते हैं हमको उन्हीं के दम पे हैं, जो आशीष यादव को देखते हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो भी हमारे भाई, जो भी गाना जहाँ जहाँ बजता है हम लोग का हर जगह। कैसे किए थे भैया, थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ बताइएगा, जो कि छोटा सा स्टूडियो आपका दिख रहा है वहाँ पे, हमें लगता नहीं कोई बड़ा स्टूडियो, लेकिन उतना अगर बात किया जाए तो मघी में धमाल मचाया रहता है, और छोटा सा स्टूडियो हमको दिखने में लगा, तो कैसे ये सब हो गया, और वो भी कोई मार्केट में नहीं भाई साहब, गांव देहात में लगता है, मंडल टोला गांव देहात में है ना भैया? जी जी। हाँ, तो कैसे ये सब हो गया प्रोग्रेस? देखिए मेरा माइंड जो है शुरुआत से ही क्रिएटिव माइंड मेरा चलता था ये सब चीज़ों के पीछे, मतलब यूट्यूब, जब से हम मतलब यूट्यूब के बारे में जानकारी हुआ हमको, तब से यूट्यूब में हम काम करना शुरू किए, पहले स्टेज प्रोग्राम डालते थे, खेसारी लाल यादव डालते थे, हाँ उसे हम अपना चैनल का ग्रोथ किए थे, और मेरा 67,000 सब्सक्राइबर हो गया था वही, मतलब स्टेज प्रोग्राम डालने के बाद। उसके बाद फिर एगो मेरा भाई हैं सुरेश भारती यादव, मेरे गांव का ही हैं, उनके साथ काम किए। अच्छा। उनके साथ कुछ दिन काम किए थे, देवघर में मेरा स्टूडियो था। अच्छा। फिर हम सोनो आ गए, उसके बाद यहाँ फिर आशीष यादव और हम लोग सब लोग मिल गए, साथ में काम किए, और मान लीजिए देखिए जो भी है आप लोग के सामने। बिल्कुल, अभी तो कोई परिचय का मोहताज नहीं भाई साहब, अगर मघी के बात करें तो यादव फिल्म स्टूडियो काफ़ी दूर चले गए हैं, और भैया को शुभकामनाएं मेरे तरफ से, जो कि आगे जम्मू से। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए तो आखिरी में कुछ संदेश दीजिएगा आशीष यादव जी के बारे में। बहुत सारे दर्शक जुटे हुए उनके भाई के आज बर्थडे में आए हुए हैं भैया। अब क्या कहेंगे, बोले बहुत खुश है, सीना बहुत ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि मान लीजिए कि जितना मेहनत किए वही मेहनत के दम पे मान लीजिए अब आज हम लोग इस जगह पे जो बैठे हुए हैं वो भी मान लीजिए वही मेहनत का फल है जिसके वजह से हम लोग बैठे हैं। और आज आशीष यादव मेरा भाई इस तरह बज रहा है जो कि आगे भी इसी तरह बजता रहे, मगही में राज करे, और क्या बोले भोजपुरी में भी जा रहे हैं तो भोजपुरी में भी राज करे, जिस तरह मगही में राज कर रहे हैं उस तरह एक तरफा भोजपुरी में भी राज करे और बजे। मान लीजिए कहीं भी जाइएगा हर जगह तो धूम मचा ही रख ले अभी तक, क्या बोलिएगा, अभी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, मान लीजिए पूरा तगड़ा है और गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा आगे भी उड़ाएंगे। चलिए भैया जी से जानते हैं, भैया जी जन्मदिन है आज आशीष यादव जी के भाई के, तो क्या कुछ शुभकामनाएं दीजिएगा आपका इंडियन निक्स को जो जो देख रहे हैं सब लोग, भाई को प्रणाम और आपके चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें। क्या मतलब कि भैया बधाई दीजिएगा आज जन्मदिन पे आए हुए हैं तो हम क्या बधाई दें, सब लोग आए हुए हैं। अभी मगही में देखा जाए तो अभी गाना लगातार आप बोलिएगा तो कहीं ना कहीं इतना ट्रेंडिंग पर चले जाते हैं, तो कैसा लगता है कि जम्मू से उठ के कलाकार कहीं ना कहीं गरीब घर के लड़के और ट्रेंडिंग तक पहुंच गया, कहीं ना कहीं फॉर्चूनर तक पहुंच गया, इतना अच्छा घर तक पहुंच गया, क्या कुछ बोलिए। आ गए आपके शेर बनाते हुए और अमित आशिक भैया जी आ गए हैं और आशीष भैया आ गए हैं और देख सकते हैं तो और कुछ कुछ आइए 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 ना सर इधर भैया। सबसे पहले